हाई एवरी वन एंड वेलकम टू अमृता राइजन शेफ एंड बियॉन्ड। अब आप सभी को तो पता ही है कि मेरा मिशन है कि मैं सबको दुनिया में हेल्दी बनाना चाहती हूँ, राइट? कभी कभी थोड़ी चीटिंग चलती है, बट मोस्टली माई गोल इज टू मेक चिल्ड्रन, मदर्स, फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एवरी वन एज हेल्दी एज पॉसिबल। सो इवन इफ इट्स पार्टी टाइम और फेस्टिव टाइम, आई विल ऑलवेज हैव अ क्रैकर ऑफ अ रेसिपी फॉर यू। ऑन दैट नोट, लेट्स मेक ग्लूटेन फ्री Ragi crackers with delicious ricotta and apricot dip. We'll start with stewing some apricots. तो ये है खुरमानी जो बहुत आसानी से मिलते हैं। Dried apricots हम use कर रहे हैं। इसे मैं एक pan में डाल दूंगी। इसके साथ पड़ेगा पानी। सम एडेड फ्लेवर, अ स्टिक ऑफ सिनेमन एंड जस्ट अ लिटिल शुगर, जस्ट टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ द एप्रिकॉट्स। तो इस रेसिपी की शुरुआत तब हुई जब मेरे घर में एक बिल्कुल ही ग्लूटेन इनटॉलरेंट पर्सन लैंडेड अप एंड दे सेड, अरे रागी क्रैकर्स तो कहीं नहीं मिलते हैं जो प्योर ग्लूटेन फ्री होते हैं। हर जगह कोई होल व्हीट डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है। आई डोंट बिलीव दैट यू कैन गेट रागी क्रैकर्स दैट आर कंप्लीटली ग्लूटेन फ्री। अब मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे किसी ने चैलेंज कर दिया ना, तो आई हैव टू एक्सेप्ट इट। आई एक्सेप्टेड दैट चैलेंज एंड दिस इज द आंसर। कीप वॉचिंग। अब जो मेरे रागी क्रैकर्स है ना, अनलाइक मोस्ट क्रैकर्स दैट आर अवेलेबल ऑन इट्स ओन ऑल्सो, ये बहुत टेस्टी होने वाले हैं बिकॉज आई एम गोइंग टू एड सम एक्साइटिंग फ्लेवर्स टू इट। सो लेट्स डू दैट। वी विल स्टार्ट विद सीजनिंग विद सॉल्ट। नाउ टाइम फॉर सम अनियन पाउडर, देन सम गार्लिक पाउडर, some cayenne to add a little spice. आप लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं, रेड चिली फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड फाइनली इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा टू गिव अ लिटिल लाइटनेस टू आवर रागी क्रैकर्स। नाउ वी मिक्स ऑल ऑफ दिस टुगेदर। अब इस डो को बनाने के लिए हमें दो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए विच विल मेक आवर क्रैकर्स रियली डिलिशियस एंड विल बाइंड इट वेल। तो इसमें सबसे पहले पड़ेगा दही, एंड सम ऑयल। टाइम टू गेट द हैंड्स डर्टी। Now some water, अब जब इस स्टेज में आटा आ जाए, इसमें मैं डालती हूं करीब जस्ट 1 tablespoon ऑफ ग्लूटेन फ्री आटा। इसका फायदा ये होता है कि जब आप रोल आउट कर रहे हो ना, तो आसानी से रोल हो जाता है। वैसे आप ये आटा नहीं भी डालेंगे, स्टिल यू विल बी एबल टू मेक द क्रैकर्स, बट आई स्ट्रगल विद द रोलिंग पार्ट, और बहुत सारे क्रैकर्स बनाने होते हैं ना, सो 1 or 2 spoon इज फाइन फॉर रोलिंग। इस आटे को गूंदने समय जब ये क्रैक होने लगे इस तरह से, जस्ट एड अ लिटिल मोर ऑयल टू इट। अब आप इसे जितनी बार बनाएंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि यू नो कितना एडजस्टमेंट करना है, कितना फ्लावर लेना है, कितना ऑयल लेना है। आई रियली फाइंड दिस रेसिपी वेरी वेरी इजी, एंड इन फैक्ट यू डोंट रियली नीड प्रिसाइज मेजरमेंट्स फॉर दिस। ये पता है ना, समझाया मैंने आपको पहले, टिश्यू क्यों रखते हैं चॉपिंग बोर्ड के नीचे, ताकि जब आप चॉपिंग बोर्ड को यूज कर रहे हो वो हिले ना। सो रिमेंबर दैट टिप। Bring the dough together and here, देखिए आटा तैयार। अब चलिए इसे रोल करना शुरू करते हैं। We're gonna start with a little portion.
आप थोड़ा सा ग्लूटेन फ्री आटा या फिर रागी का ही फ्लावर यूज कर सकते हैं. आई हैव गॉट सम ग्लूटेन फ्री आटा हियर, सो आई एम यूजिंग दैट टू रोल इट आउट. अब इसे हम साइड से काट देंगे. जो रफ एजेस हैं ये निकाल दीजिए. माय फेवरेट इक्विपमेंट इन द किचन ऑफसेट स्पैचुला, जिससे मैं एक्सेस डो बाहर निकाल दूंगी. एंड देन वी गोना स्टार्ट कटिंग आउट द क्रैकर्स. सो पहले आप मेजर कर लीजिए कितने लंबे, कितने बड़े, कितने चौड़े आपको चाहिए. उस हिसाब से आप छुरी चलाना शुरू कर दीजिए. एंड नाउ कट इट. Now a little sprinkling of sesame seeds, some white and some black. ये full of calcium होता है. वैसे तो हमारा ragi flour is also full of calcium. And then this is an added boost of the same. Now gently pick it up and place it on a baking tray. अब इसी तरह हम बाकी के भी डो के साथ क्रैकर्स बना लेंगे. तो वन टिप, थोड़े थोड़े करके बनाइए, बिकॉज बहुत ज़्यादा आप एक साथ रोल नहीं कर पाएंगे. सो लाइक आई डिड, टेक स्मॉल पोर्शंस, रोल इट आउट, कट देम इनटू स्क्वायर्स, पुट देम ऑन द ट्रे एंड गेट ऑन विद द रेस्ट ऑफ द बैच. We are done. Few left. अब इन्हें हम बेक करेंगे at 180 degrees, or actually 175 degrees is better, for about 10 to 15 minutes. तो चलिए, let's get this inside the oven. Ta-da! My lovely ragi crackers are ready. इसे ठंडा होने देते हैं. And remember, I told you, इसे मैं एक बहुत ही मजेदार डिप के साथ बनाने वाली हूँ. अब आपने कई टाइप के डिप्स खाए होंगे, but this one is really unusual, क्योंकि ये बनेगा होममेड पनीर के साथ. तो यहाँ मेरे पास होममेड फ्रेश पनीर है, मसलिन क्लॉथ में. अब आपने कई बार मुझे दूध फाड़ते हुए देखा है और फ्रेश पनीर बनाते हुए देखा है. मैंने पनीर के पराठे बनाए हैं, मेरे घर का खाना के लाइव में भी आपने देखा है. ऑफकोर्स मैं लिंक्स ज़रूर अटैच कर दूंगी इस वीडियो के साथ, बट इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू मेक इट. सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, इस रेसिपी में यूज़ होल मिल्क, यानी कि फुल फैट मिल्क, क्योंकि उसका जो पनीर बनेगा ना, दैट विल बी मोर क्रीमी, रिचर, एंड इट विल वर्क ब्यूटिफुली विद दिस डिप. सो इन अ मिक्सर ग्राइंडर अब इस होम मेड फ्रेश पनीर को हम डालेंगे. इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ अबाउट कपल ऑफ क्लोव्स ऑफ गार्लिक. तो अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं और आप गार्लिक अवॉइड करना चाहते हैं, यू कैन डू इट, बट आई लव द फ्लेवर ऑफ गार्लिक इन दिस. साथ ही थोड़ा सा नमक, अ स्मॉल ड्रिजल ऑफ हनी, and some nimbu. Squeeze that in. Now just grind.
And look at this. Look at the texture change. Now it's so nice and creamy and light. Yum. आपने ricotta का नाम सुना है? इसी को ricotta कहते हैं. But of course, जब आप बाजार से ricotta चीज खरीदने जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे. So it's a great way to make ricotta cheese right here at home. Look at this. कितने अच्छे से ये stew हो गए हैं हमारे apricots and they are literally falling apart. This is what we want. हल्के से juices are remaining, which will go into our delicious dip. चलिए इसे एक बोल में निकाल लेंगे. Before we add our delicious stewed apricots to it. अब जो stewed apricots हमारे ready हो गए थे, अब वो अच्छे से ठंडे हो गए. Time to add this to our ricotta. Ah, cinnamon की खुशबू and mixed with apricots. Match made in heaven. लेकिन this is going to turn even more heavenly once it gets mixed up with my ricotta cheese. So let's do it. Now first things first. इसके अंदर बीज होता है, राइट? तो उसे हमें निकालना है. Now let's add this lovely apricot to our ricotta. Now we mix this in. ये मिक्स हो गया. कितना देखिए, कितना एक्साइटिंग लग रहा है ना. वो प्लेन क्रीमी रिकॉटा जो अपने आप में भी बहुत टेस्टी है, लेकिन विद दिस एडेड टेक्सचर ऑफ एप्रिकॉट इज जस्ट गॉन अप टू द नेक्स्ट लेवल. अब चलिए इस रेसिपी को बिल्कुल अगले लास्ट लेवल तक लेके चलते हैं. लेट्स डू द फाइनल प्लेटिंग. Look at this. कितने अच्छे लग रहे हैं और कितनी जल्दी बन गए ये cracking रागी crackers. इसे आप बनाइए. And don't forget this amazing dip, because this is the game changer. That delicious apricot with the ricotta. Amazing. और अब आपको in return मुझे क्या gift देना है? You guessed it right. Like and share this video with all your friends and family. And don't forget to subscribe to Amrita Raichan, Chef and Beyond. See you all very soon.